शोबिज की दुनिया ने हर इंसान को अपने शहर में जकड़ा हुआ है। स्क्रीन पर खूबसूरत नजर आने वाले अदाकार और शख्सियात असल जिंदगी में इतने ज्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त नहीं होते। आज हम आपको पाकिस्तान की चंद ऐसी मशहूर शख्सियात के बारे में बताएंगे जो बज़ाहिर तो देखने में सेहतमंद और तंदुरुस्त नजर आते हैं लेकिन हकीकत में खतरनाक बीमारियों में मुब्तला है। सबसे पहले अगर बात करें फवाद खान की तो इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी अलग पहचान कायम की है। बज़ाहिर तंदुरुस्त और खूबसूरत नजर आने वाले फवाद खान को खतरनाक बीमारी शुगर का मर्ज लाहक है। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान का कहना है कि उस वक्त उनकी उम्र 17 साल थी जब ज़ियाबेटिस के मर्ज का इंकशाफ हुआ, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस मर्ज को अपनी तरक्की की राह में हायल नहीं होने दिया और यही वजह है कि आज भी लॉलीवुड और बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम का शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर्स में होता है। वसीम अकरम भी डायबिटीज़ के मर्ज का शिकार है। वो 30 साल की उम्र में इस मर्ज का शिकार हुए। इस वक्त काफ़ी लोगों ने कहा कि इस बीमारी के साथ खेल को जारी रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन वसीम ने हिम्मत नहीं हारी और बड़ी दलेरी से इस बीमारी का मुकाबला किया। हरदम हंसती मुस्कुराती और चुलबुले अंदाज की मालिक माया खान को थायराइड्स की बीमारी लाहक है। माया खान को ज़्यादा शोहरत मॉर्निंग प्रोग्राम्स की मेज़बानी से मिली, लेकिन इस बीमारी के बायस उन्होंने मॉर्निंग शो को खैरबाद कह दिया। पाकिस्तानी ड्रामों की मारूफ अदाकारा और सोशल वर्कर नादिया जमील ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हैं। उज़्मा गिलानी पाकिस्तानी शोबिज़ की एक जानी मानी अदाकारा है। उज़्मा गिलानी ने भी काफ़ी अर्सा कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज के साथ जंग लड़ी और इसको हराकर जिंदगी की जंग जीती। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने वाले नौजवान आगा अली जल्दी बीमारी में मुब्तला है जिसकी वजह से इनके जल्द पर लाल निशान दिखाई देते हैं। ये एक ऐसी स्किन डिजीज़ है जो इंसान को बिल्कुल बेबस कर देती है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आगा अली की ये बीमारी एक वक्त में इतनी बढ़ गई थी कि वो काफ़ी महीनों तक अपने कमरे तक महदूद हो गए। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा ज़ेबा बख्तियार, जिन्होंने अपनी अदाकारी से बेपनाह शोहरत हासिल की, बदकिस्मती से खूबसूरत नज़र आने वाली ज़ेबा बख्तियार भी ज़ियाबेटिस के मर्ज़ का शिकार है। जब इनको इस बीमारी का पता चला तो पहले वो बहुत परेशान हुई, लेकिन अब वो इस बीमारी से लड़ने में दूसरों की भी मदद कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी को स्किन की बीमारी विटिलिगो है जो वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। अगर बात करें उभरती हुई अदाकारा हिना अल्ताफ की तो वो भी क्रॉनिक डिप्रेशन की मरीजा रह चुकी हैं। हिना ने इस बीमारी का मुकाबला कैसे किया इस बात का उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज में जिक्र किया है। हिना का कहना है कि एक वक्त में इनका डिप्रेशन लेवल इतना ज़्यादा हो गया कि वह थोड़ी देर के लिए सीधा खड़ा भी नहीं हो पाती थी। अदाकार और गुलकार मोहसिन अब्बास का भी हाल ही में डिप्रेशन लेवल इस हद तक बढ़ गया था कि इनको लगा कि डिप्रेशन कहीं इनकी जान ही न ले ले। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।